देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमको ज़्यादा इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए थे तो विशेष पैकेज के बारे में, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में, बेरोजगारी पर, कारखानों पर उनको बोलना चाहिए था। मोतिहारी भी गए थे, शुगर मिल के बारे में उन्होंने कहा था कि चाय वहीं की चीनी की चाय वो पियेंगे, इस पे उन्होंने कोई बात नहीं कही। पलायन, गरीबी, भुखमरी, मजदूर, किसान पर बिहार के लोगों की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस पे बोलेंगे। अब आप देखिए, हमारे विरोध में तो बिहार सरकार, भारत सरकार, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 30-30 हेलीकॉप्टर सब लगे हुए हैं, और इस तरह के बातों को जिक्र अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हमको लगता है कि जनता जो है वो सब जानती है, और लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुद्दे की बात पे कहना चाहिए था। ये चिराग पासवान ने कहा है कि आपका फर्स्ट पेज खोल जेडीयू दहाई आंकड़े तक डबल डिजिट में भी नहीं आ पा रही है। देखिए, फर्स्ट फेज में तो सबसे पहले तो जो जो हमारे मतदाता हैं फर्स्ट फेज के, उनके उत्साह को देखते हुए, जो बेरोजगारी मुद्दे को उन्होंने पकड़ कर जो रखा, बिहार के कारखाने, पलायन, गरीबी, किसान, ये जितने मुद्दे थे इस पे जो उन्होंने वोट डाला है, इसके लिए हम सभी मतदाताओं को नमन करते हैं। और हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ बेरोजगारी का ही मुद्दा नहीं था, इसमें ब्लॉक में, थानों में जो घूसखोरी रही है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है सरकारी बाबुओं का जो भ्रष्टाचार ब्लॉक में या आपका थानों में बिना घूस के कोई काम नहीं होता, इसके खिलाफ लोगों ने मतदान किया है। मतलब जो एग्रेशन आपकी सभाओं में दिख रहा है, भीड़ में दिख रहा है, क्या वो कल वोटिंग के समय भी दिखा है, ऐसे फीडबैक आया आपको? नहीं, एग्रेशन से भीड़ ही नहीं। आपको हम लोग जो है फर्स्ट फेज, हम तो बता रहे हैं कि पूरी क्लीन स्वीप जो है हम लोग कर रहे हैं, और जो जनरल फीडबैक्स हम लोगों को भी आए हैं, खास तौर पे नौजवान हों या कोई जात के हों, कोई वर्ग के हों, कोई धर्म के हों, सभी लोग जो है उत्साहित नज़र आए हैं। और हम इतना कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो वोट डाला है वो बेरोजगारी और जो सरकारी बाबुओं ने जो भ्रष्टाचार जो फैलाया है ब्लॉक थानों में, उसको लेकर के जो कोल हुआ उसके बाद से क्या लगता है, जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की औकात ही कुछ नहीं है। देखिए, ये चुनाव एक बात, ये चुनाव कोई मोदी जी राहुल जी की नहीं है, ये कोई नीतीश जी और तेजस्वी की चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है बिहार के जनता के भविष्य का चुनाव है। भविष्य तभी सुधरेगा जब मुद्दे की बात होगी, उसकी समाधान की बात होगी, ना कि हम आपको गाली दें और आप हमको गाली दें, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। बीजेपी के लोग हों या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, कहीं ना कहीं भाषा में बड़ा स्तर जो होता है, एक मर्यादा जो होती है, वो गिरी है, और जनता सब देख रही है। वो जो